अब तक लोगों को यही पता था कि झारखंड की राजधानी रांची में स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और मेकॉन ने इसरो के लिए सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड बनाया। इस लॉन्च पैड ने ना जाने कितने उपग्रहों को इसरो ने अब तक प्रक्षेपण किया है। लॉन्च पैड के डिजाइन मेकॉन के इंजीनियर्स ने तैयार की। HEC, टाटा स्टील समेत झारखंड और देश की कई कंपनियों ने इसरो के लिए उपकरण तैयार किए। झारखंड को अब तक सिर्फ उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अपनी भूमिका पर गर्व था। इसमें एक और तमगा भी जुड़ गया है। देश की जिस बेटी ने आदित्य L1 मिशन को कामयाब बनाया, उसने दक्षिण भारत से आकर हमारे झारखंड में MA की पढ़ाई की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निगार शाहजी की, जिन्होंने 2 साल तक रांची में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। निगार शाहजी आज यह नाम किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली निगार शाहजी बेहद ही साधारण परिवार में जन्मी थी। निगार शाहजी ने झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से MTech की पढ़ाई की थी। बाद में वह बेंगलुरु चले गई और अब जिस काम को उन्होंने अंजाम दिया है उसकी पूरी दुनिया कायल हो गई है। निगार शाहजी भारत के सोलर मिशन आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में जब आदित्य L1 मिशन ने सूर्य की कक्षा में जाने के लिए उड़ान भरी, तो देश ने पहली बार उस मेधावी महिला वैज्ञानिक को सार्वजनिक रूप से टेलीविजन पर लोगों को संबोधित करते देखा। उनके एक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख S. सोमनाथ खड़े थे, तो दूसरी ओर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र कुमार सिंह, उनके संबोधन पर बार बार तालियां बज रही थी। तमिलनाडु के किसान परिवार में जन्मी निगार की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हुई। सिंगोटाई के इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की, फिर BIT मिश्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से मास्टर्स की डिग्री की। रांची में उन्होंने 1985 से लेकर 87 तक पढ़ाई की। यहाँ से मास्टर्स डिग्री लेने के बाद वह इसरो पहुंची और आज जो उन्होंने कारनामा कर दिखाया है उसका कायल पूरा देश है।